एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया समोसे वाला था। वो भूत रात को गांव में समोसे लेकर घूमता था। उसके समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो भूत उन्हें उठाकर अपने समोसे की दुकान पर ले जाता था और उन्हें मार देता था। इसीलिए गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे रात को अच्छे से बंद रखते थे, ताकि समोसों की खुशबू अंदर न आए। एक दिन राजन शहर से 18 साल बाद अपने गांव लौटा था। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया, अब मैं जरा अपने दोस्तों से भी मिलाऊं। अच्छा जाओ, पर शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटा। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राजन अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और मिलते ही, राजू, श्याम, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त राजन, जो शहर पढ़ने चला गया था। यार तू मेरे दोस्त, इतने सालों बाद आया है तू गांव में। अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, चलो इसी खुशी में कहीं घूम कर आते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों घूमने के नाम से इतने डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, इस गांव में शाम ढलने के बाद घर से कोई नहीं निकलता बाहर। पर क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं पता, रात के समय गांव में समोसे वाला भूत घूमता है। जो भी उसके समोसों की खुशबू सूंघ लेता है, वो भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। शायद तुम्हें भूत के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए तुम भी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। चलो भाई, अब घर चलें, अंधेरा होने ही वाला है। इतना बोलते ही राजू और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। शायद ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो माँ से जाकर पूछता हूँ। राजन वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था ना, तो वो लोग बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे, कोई समोसे वाले भूत की। अगर कोई बात है तो बताओ ना माँ। अब इस बारे में कल बात करेंगे। बेटा अभी रात बहुत हो गई है, अभी तू सो जा। हाँ, फिर राजन अपने कमरे में सोने चला जाता है। राजन अपने दोस्तों की कही बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, जो उन्होंने भूतिया समोसे वाले की बात कही थी, और वो खिड़की खुली रख कर ही सो जाता है। और रात में भूतिया समोसे वाला हाथ में समोसे की प्लेट लेकर गांव में घूमता है। ओ गांव वालों, जरा खिड़की खोल कर कोई हमारे भी दर्शन कर लो, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, एक बार तो दर्शन कर लो हमारे। ये मेरे बनाए हुए गर्मा गर्म समोसे तो चख लो एक बार। पर किसी के भी घर की खिड़की नहीं खुली होती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ आज कौन मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊँ। तभी भूत की नजर राजन की खिड़की की तरफ पड़ती है, फिर समोसों की खुशबू खिड़की से होते हुए कमरे में राजन तक पहुँच जाती है। समोसों की खुशबू पहुँचते ही राजन आकर्षित हो जाता है। क्या खुशबू है, ये खुशबू तो समोसों की है। खुशबू इतनी अच्छी है, खाने में तो और भी स्वाद हो गए स्वाद। राजन खुशबू के साथ साथ बाहर आने लगता है, और राजन जैसे ही घर से बाहर आता है, वो समोसे वाला भूत उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी समोसों की दुकान पर उठाकर ले जाता है। आज का शिकार मिल ही गया।
ये सब देखकर राजन डर से थर थर कांपने लगता है और पसीना पसीना हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खिड़की खोल कर सो गया। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, झाड़ू पोछा बर्तन जो कराना चाहते हो करा लो, पर मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जब तक मैं पूरे गांव वालों को अपने हाथों से नहीं मार देता तब तक मुझे नहीं मिलेगा। राजन भूत के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर भूत के आगे उसकी एक नहीं चलती। जैसे ही वो अपने लंबे लंबे नाखून उसके सीने में घोपने वाला होता है, तभी उस भूत को राजन के गले में पड़ा ताबीज दिख जाता है और भूत ताबीज देखकर चौंक जाता है। ये ताबीज तुम्हारे गले में कैसे आया? ये ताबीज मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। माँ ने बताया था जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे ये ताबीज पहनाया था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात सुनते ही भूत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताबीज मेरा है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। राजन को कुछ भी समझ नहीं आता, तब भूत पूरी बात बताता है कि कैसे वो भूत बना। बेटा, आज से बहुत साल पहले गांव में मेरी समोसे की दुकान हुआ करती। मेरे समोसों के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सरपंच के बेटे ने भी समोसों की दुकान मेरी दुकान के बिल्कुल सामने खोल ली, पर उसके बनाए समोसे स्वादिष्ट नहीं थे और बासी भी बहुत थे। इस वजह से सभी उसके बनाए समोसे नहीं खरीदते थे। मेरे बनाए समोसे ताजा और स्वादिष्ट होते थे और उसकी खुशबू से ही लोग अपने आप मेरी दुकान पर खींचे चले आते थे और कई कई समोसे खा जाते थे, और तो और अपने घर के लिए भी रखवा कर ले जाते थे। इस वजह से सरपंच का लड़का मुझसे बहुत चिढ़ता था। एक दिन उसने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और चुपचाप मेरी दुकान में आग लगा दी और दुकान के साथ मुझे भी जलाकर मार दिया और मैं भूत बन गया। तब जब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पिताजी, अगर आपकी मौत सरपंच के बेटे की वजह से हुई है तो आप गांव वालों को क्यों मार रहे हो? बेटा, जब मेरी दुकान में आग लगी थी तब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सभी खड़े खड़े देख रहे थे बस। इसलिए मैं इन सबको मार दूंगा, पर मैं अभी तक सरपंच के बेटे को मार कर अपना बदला नहीं ले पाया क्योंकि वो अपने घर को हमेशा बंद रखता है, कभी भी बाहर नहीं आता। पिताजी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, पर आप मुझसे वादा करो कि आप गांव वालों को नहीं मारेंगे। भूतिया समोसे वाला राजन की बात मान लेता है और फिर राजन पूरी योजना बनाता है कि कैसे सरपंच के लड़के को घर से बाहर निकाला जाए। योजना के हिसाब से एक दिन राजन चुपके से सरपंच के घर की खिड़की पर समोसे से भरी प्लेट रखाता है। कुछ देर बाद सरपंच का बेटा समोसे की खुशबू से आकर्षित हो जाता है और घर से बाहर आ जाता है। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला लूंगा। पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और इस राजन को इस राजन को तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे कातिल हो। तुमने मुझे मारा है इसने नहीं, और गांव वाले भी निर्दोष हैं। मैं और तुम्हारा कातिल कौन हो तुम? कौन हो तुम? इसके बाद भूत अपने असली रूप में आ जाता है। बंसी तुम? ठीक पहचाना, बंसी हूँ मैं। तुमने मुझे जलाकर मार डाला था, याद आया? देखो बंसी भाई, देखो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बंसी भाई, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद से
उस भूत ने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया।